हेलो एवरीवन मेरा नाम है कित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी आज के इस वीडियो सीमेंट में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉटेंट टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन करके आता है और ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेशन में कई स्टेप्स होती हैं जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है वो कहाँ पर है फिर उसके बाद वहाँ पे किस तरीके से कौन सा सेल है किस टाइप की सेल है किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे तमाम तरह की बातें करते हैं लेकिन अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल के अंदर या फिर रहनल फ़िल्ट्रेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें या ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन की बात करें तो उसमें जो प्राइमरी स्टेप्स होती हैं आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जब आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हो तो क्या कहते हो कहते हो कि यार उसमें कभी कभार ये होता है कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है कुछ आयंस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है क्यों हो रहा है या फिर किस तरीके के मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हमारे बोमेन कैप्सूल में या फिर ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेशन में या फिर वो किसका नेचर हो सकती है वो हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का नेचर है कि वो चीज़ों को फिल्टर कर रहा है या फिर हमारी ब्लड कैपिलरीज का भी नेचर है कि वो उसको फिल्ट्रेट कर रहा है तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पहला फिल्ट्रेशन है ग्लोमेरुलस का वो किस तरीके से हो रहा है साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेल के बारे में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के या बोमन कैप्सूल के अंदर जो भी चीज़ फिल्टर हो करके आ रही है उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं साथ में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे जो आपको एक्सक्रिटरी सिस्टम में हायर लेवल पे देखने को मिल सकते हैं अगर हम बात करें तो ये वीडियो जो है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है नेट नीट जिसके लिए भी आप देखना चाहें फिजियोलॉजी के लिए वो बहुत ही है और ये एक आप मान सकते हो पहला वीडियो है इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तो वहां पे हम लोग प्रेशर्स वगैरह के बारे में जानेंगे लेकिन अभी यहाँ पे जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कमाल का वीडियो है तो इसको लास्ट तक देखिएगा चीजें काफी अच्छी होंगी यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आपको दिखाई दे रही है ना वो क्या दिखाई दे रही फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी क्या दिखाई दे रही है आपको फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी दिखाई दे रही है अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे एफ्रेंट एथ्रियोल आपको दिखाई दे रहा है और फ्रंट आर्ट्रियल आपको दिखाई दे रही है ये वो हमारी ब्लड की आर्टरीज होती हैं जिनसे हमारा ब्लड आ रहा है और वो जो है बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है कैपिलरी के फॉर्म में मतलब आगे जाकर के ये कैपिलरी के फॉर्म में डिवाइड कर जाएंगी और फिर वही कैपिलरीज जो है कहलाती है फेनेस्ट्रल कैपिलरी या फिर फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी अब ये जो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरीज होती हैं हमारी बेसिकली इनकी अपनी एक स्पेशल क्वालिटी होती है आपको पता है कि टिश्यू और ब्लड वेसल्स के बीच में जो लेयर होती है उस लेयर को हम लोग कहते हैं इंडोथीलियल लेयर क्या कहते हैं इंडोथीलियल लेयर अब ये जो इंडोथीलियल टिश्यूज होती हैं या फिर जो इंडोथीलियल सेल्स होती हैं ये सेल्स इस टाइप की होती हैं हमारे फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी की कि उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी जहां पे आप एफरेंट को जानते हो कि जो ब्लड हमारा आ रहा है और वो कैपिलरी जो फिल्टर होने के लिए जहाँ पे ब्लड जाएगा वो कैपिलरी जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी जो कि फ़िल्टर करने में मदद करेगा तो जाहिर तौर पे इन कैपिलरी के पास में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं या इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो इनको फिल्ट्रेशंस के लिए कैपेबल बना रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एट्रियोल आती है वो कैपिलरी के फॉर्म में अंदर ग्लोमैलोस फिल्ट्रेशन में जाती है मूव करके एंड देन वहाँ पे फेनेस्ट्रेशन होता है इस तरीके की कैपिलरी को हम लोग फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी कहते हैं अब ये जो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी होती है इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है फेनेस्ट्रेशन कैपलरी में हमें छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं क्या देखने को मिलती है लिटिल पोर्स देखने को मिलते हैं ये बात आपको नोट कर लेना है यहां पर क्या होता है कि जो फेनेस्ट्रेशन कैपेलरी होता है वहां पर हमें लिटिल पोर्स देखने को मिलते हैं इंडोथीलियल सेल पर जैसा कि मैंने कहा कि ये पार्ट किसका है इंडोथीलियल सेल का पार्ट है तो इस इंडोथिलियल सेल पे हमें क्या देखने को मिलता है छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं लिटिल पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और ये जो लिटिल पोर्स होते होते हैं इंडोथीलियल पे इनका काम ये होता है कि ये बड़े मॉलिक्यूल को जो है वो पास नहीं करने देते तकरीबन 100 नैनोमीटर से ज्यादा के मॉलिक्यूल को ये अंदर की तरफ पास नहीं करने देते हैं इस बात को ध्यान में रखेंगे मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है वो अगर 100 नैनोमीटर से ज्यादा का है तो उसको अंदर की तरफ पास नहीं करने देंगे कौन फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी मतलब आपके ब्लड में अगर कोई भी चीज ऐसी है जो हंड्रेड एन के ऊपर है तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से अंदर की तरफ एंटर नहीं कर सकते उनको एक रॉ मटेरियल की तरह से ये पहले ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और डिस्कार्ड होने के बाद वो ईफ्रेंट एट्रियोल से वापस चली जाएंगी तो कहने का मेरे मतलब ये है कि वही चीज़ अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा मतलब ये जो हमारा मतलब वही चीज़ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगा जो कि तकरीबन हंड्रेड नैनोमीटर से छोटा होगा तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है मतलब 100 नैनोमीटर से वो प्रोडक्ट आपका छोटा होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखना है अब आप कहेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे फॉर्म्ड एलिमेंट लाइक ब्लड ट्रांसपोर्ट तो ये जो जो बड़े पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो जैसे फॉर्म एलिमेंट जैसे हमारे आर बी सी हैं डब्लू बी सी हैं ये सभी क्या है कि कई डिफरेंट टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन से मिल करके बने हुए हैं इसीलिए इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है तो ये अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं इसीलिए लिए ग्लोमेवल्स के अंदर ब्लड नहीं आ सकता फिर वो चाहे डब्ल्यू बी सी हो चाहे आर बी सी हो ये सभी ब्लड्स उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं तो ये पहला काम होता है कि हंड्रेड नैनोमीटर की जो हमारे फेनेस्ट्रेशन कैप होती है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा के मॉलिक्यूल्स को अंदर एंटर नहीं करने देती साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट को भी अंदर आने नहीं देती है तो फॉर्म्ड एलिमेंट को भी अंदर आने नहीं देती है केवल और केवल जो भी मॉलिक्यूल हमारे हंड्रेड नैनोमीटर से कम के हैं उनको ही अंदर आने देती है तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप ठीक है ना तो फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी का क्या काम है ये एक तरीके से आप अगर मैं बात करूं तो 100 नैनोमीटर के कम में नहीं आने देती हैं और ये किसके थ्रू होती हैं ये कैपिलरी के थ्रू होती हैं उसके बाद क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल मान लीजिए हंड्रेड नैनोमीटर से कम का है और वो अंदर आ गया है तो अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होती है जिसका नाम है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या नाम है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है और इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये काफ़ी ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सभी तरह के ट्रांसपोर्ट के लिए काम करते हैं स्पेशली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं कौन हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जस्ट हमारे फे, फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी के नीचे उस मेम्ब्रेन में हमें बेसिकली तीन लेयर्स देखने को मिलती हैं इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे जो चीज़ है इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है तो ये आपको क्या दिखाई दे रही है यहां पे हमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है अब ये जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली तीन डिफरेंट लेयर से मिलकर के बनी होती है यहां पे तीन डिफरेंट लेयर जो आपको देखने को मिल रही है वो तीन डिफरेंट लेयर कौन कौन सी है वो तीन डिफरेंट लेयर आपको लेमिना रेरा इंटरना और लैमिना रेरा रेयर एक्टर्नल और उसके बाद यहाँ पे जो बीच की जो सबसे थिक लेयर आपको देखने को मिल रही है वो है टाइप फोर कोलेजन की बनी हुई लेमिनिन की बनी हुई डेंस लेमिनिन की बनी हुई लेमिनिन एक प्रोटीन होती है जो बेसिकली जोड़ने का या फिर आप जंक्शन का काम करते हैं अब ये जो चीज होती है लेमिनिन ये डेंस होती है इसलिए हम इसको लेमिना डेंसा के भी नाम से जानते हैं तो लेमिना डेंसा कोलेजन टाइप फोर कोलेजन से ये बीच वाली लेयर बनी होती है इस लेयर की मैं बात कर रहा हूं ठीक है ना तो इसमें तीन लेयर आपको देखने को मिल रहा है एक ये दोनों लेयर होती है लेयर होती हैं अब ये जो लेयर होती है सल्फेट, ये बेसिकली इस को या फिर इस मेम्ब्रेन को निगेटिव चार्ज बनाती है कौन सा चार्ज बनाती है निगेटिव चार्ज ये इसको बाहर से भी निगेटिव रखती है और अंदर से भी निगेटिव रखती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पे टाइप फोर कोलेजन होता है किसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो सबसे मिडिल लेयर होता है वो लैमिनिन का बना हुआ होता है कोलेजन का बना हुआ होता है ऊपर की जो लेयर होती है वो हिपेरिन सल्फेट और नीचे की जो लेयर होती है वो भी हिपेरिन सल्फेट की बनी हुई होती है और हिपेरिन सल्फेट जो है वो हमारे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को निगेटिव चार्ज बना करके रखता है आप इस बात को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो लेमिना रेयर इंटरना होती है ये बाहर मतलब एंडुथीलियर सेल की तरफ वाली वॉल होती है और जो एक्सटर्नल होती है वो पोडोसाइट की तरफ वाली होती है किस तरफ वाली की होती है पोडोसाइट तरफ की होती है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं जिसका फंक्शन मैंने कहा कि ये किस कौन सा चार्ज होती है निगेटिव चार्ज तो जाहिर तौर पे अगर ये निगेटिव चार्ज है एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं एवरीथिंग इरेज ओके ओके अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगी मैं आपको बता रहा हूं देखिए मैंने कहा कि ये कौन सा चार्ज होती है निगेटिव चार्ज होती है अगर ये निगेटिव चार्ज है तो जाहिर तौर पे जो भी चीज एक्ट्यूल या फिर कैपिलरी में पॉजिटिव चार्ज के होंगे वही चीज अंदर एंटर कर पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के प्रति अट्रैक्शन शो करता है और निगेटिव चार्ज के प्रति निगेटिव चार्ज रिपल्सन शो कर रहा होता है तो यहां पे देख रहे हैं आप डायग्राम में आपको बता रहा है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो ब्लड में निगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे वो इसको पास नहीं कर पाएंगे मतलब वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का है तो वो बहुत ईजिली तरीके से यहां से पास हो जाएगा इस बात को आप बेशक ध्यान में रखिएगा ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज जो है वही मॉलिक्यूल यहां से जो बेसमेंट हमारी से मेम्ब्रेन होती है वो पॉजिटिव चार्ज को ही आगे जाने देती है दे। जैसे अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन प्रोटीन की तो वो बेसिकली हमारा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज होता है इसीलिए वो पास नहीं हो सकता अगर हम बात करें फिब्रीनोजन की तो वो भी निगेटिव चार्ज है वो भी पास नहीं हो सकता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं ब्लड कैपिलरीज या फिर आर्टरीज के अंदर जो कि निगेटिव चार्ज होते हैं लेकिन वो बेसमेंट लेयर को पास नहीं कर पाएंगे तो अगर मान लीजिए कि बाय चांस ऐसा होता है कि फेनेस्ट्रेशन कैपिलरी से कोई चीज़ फिल्टर होकर के आ भी गई है लेकिन वो निगेटिव चार्ज है तो वो पास नहीं करेगी वो वापस इफ्रेंट एफ्रियोल में चली जाएगी लेकिन अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो बहुत इजी तरीके से इसको पास कर देगी इसको जैसे ही पास करेगी अब यहाँ पे जो तीसरा चीज आता है फिल्टर होने का वो आता है इसके बीच में पोडोसाइड सेल्स के बीच में मौजूद स्पेस, पोडोसाइड सेल्स के बीच में मौजूद स्पेस ये जो स्पेस होता है हम इसको फिल्ट्रेशन स्लिट के नाम से जानते हैं किस नाम जानते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट के नाम से जानते हैं ये स्पेस जो है तकरीबन 25 से 30 नैनोमीटर के बीच के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैपेबल होता है कितना 25 से 30 नैनोमीटर के जो भी डायमीटर्स के मॉलिक्यूल हैं उनको फिल्टर करता है लेकिन इसके आगे ही क्या होता है कि जो पोलोसाइड सेल्स होती हैं इनके जो पोर्स होता है पोरोसाइट्स के बीच में जो ये पोर्स बने हुए हैं यहाँ पे एक प्रोटीन पाई जाती है एक नहीं आप दो प्रोटीन बताओ दो प्रोटीन पाई जाती हैं जिनमें से एक होती है नेफ्रिन और एक होती सी डी टू ए पी ये जो दोनों प्रोटीन होती हैं इनका ये केवल और केवल सेवन से नाइन मैनोमीटर के बीच के जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो नेफ्रिन होती है वो काफी छोटे मॉलिक्यूल वाली प्रोटीन होती है और ये उन्हीं चीज को ट्रांसपोर्ट होने देती है जिनका जो सेप है वो अप्रॉक्स 7.9 नैनोमीटर के आसपास में होता है अब अगर मैं बात करूँ 7.9 नैनोमीटर में तो यहाँ पे आपकी जो प्रोटीन होती है वो कुछ इस तरीके से देखिए जैसे मैंने उंगली बनाई हुई है कुछ इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है आपस में जो नेफ्रिन होती है हो, सीडू सी डी टू ए पी होती है ये इस तरीके से जुड़ी रहती है और इसका काम होता है सेवन पॉइंट नाइन नैनोमीटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर लाना मतलब कि अगर कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज है उसका जो शेप है वो भी हंड्रेड नैनोमीटर से कम है और वो यहाँ से अंदर आता है बेसमेंट सेल से और फिर और अंदर आता है स्लिट तक पहुँचता है अगर उसके बाद उसका शेप सेवन से नाइन नैनोमीटर के आसपास होता है तो वो फिल्टर करके अंदर आ जाता है हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्योंकि सेवन पॉइंट सेवन से नाइन नैनोमीटर के बीच का ही मॉलिक्यूल नेफ्रिन आने देगा तो नेफ्रिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है चैनल्स के लिए काम करता है तो आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा ये आपसे सवाल पूछ सकता है तो अब इस तरह के मॉलिक्यूल जो सेवन पॉइंट नाइन में है जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए उसके बाद आपका कुछ एमेनो एसिड्स हो गए फिर उसके बाद आप कुछ प्रोटीन्स ले सकते हो ठीक है तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स कुछ आयंस ले सकते हो सोडियम आयंस वग़ैरह ले सकते हो तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज़ होता है वो सैन से नाइन नैनोमीटर के बीच में होता है और वो फिल्टर हो करके जो कैप्सूल है बोमन कैप्सूल उसके अंदर आ जाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल में कहां पे चले जाते हैं प्रॉग्जिमल ट्रिब्यूल में चले जाते हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा तो ये सबसे पहला फिल्ट्रेशन होता है मैं फिर से आपको एक बार सारी बातें रिवाइज करा देता हूं कि फेनेस्ट्रेशन जिसका काम होता है हंड्रेड नैनोमीटर से कम साइज के जितने भी ट्रांसपोर्ट के मटेरियल हैं उनको स्पेशली फॉर्म एलिमेंट अंदर नहीं आ पाते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट में ब्रेन का काम होता है चार्ज बेसिस पे डिफ़ाइन करना नहीं आपका चार्ज बहुत पल, निगेटिव है तो आप नहीं आ सकते हो पॉजिटिव है तो आप आ सकते हो कुछ मॉलिक्यूल्स है जो निगेटिव होकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन उनकी कंडीशंस दूसरी होती है फेनेस्टेशन कैपिलरी एक स्पेशल टाइप की कैपिलरी होते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके बाद जैसे ही मॉलिक्यूल बेसमेंट कैपिलरी से आता है नेफ्रिन सी डू टू ए पी और नेफ्रिन दोनों प्रोटीन होते हैं जो तकरीबन सेवन से नाइन नैनोमीटर के मॉलिक्यूल को ही अंदर आने देते हैं भले ही फिल्ट्रेट स्लेट फिल्ट्रेट स्लेट क्या होता है दो पोल के बीच का स्पेस होता है यहाँ पे हम लोग इसको आ, फिल्टी स्लिट ड्राईफ्रॉम के भी नाम से जानते हैं जो ये प्रोटीन होती है ये इनको एक फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है जिसके कारण हम इनको जो है फिल्ट स्लिट स्लिट डायफ्राम के भी नाम से जानते हैं तो कभी कभार ये भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है वैसे इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसके आगे वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा जब हमारा प्रॉक्सिमल ट्रिब्यूल में जाएगा और अभी वीडियोस और आएंगे जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप के जीएफआर क्या होता है एन एफ आर क्या होता है नेट फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों के बारे में भी और डिस्कस करूँगा आज आपको वीडियो पसंद आया पसंद लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू वेरी मच वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से से प्रेशर्स हैं जो ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेशन के टाइम पे काम करते हैं बोमन कैप्सूल में और इस्पेशली बात करते हैं कि कितना ब्लड जो है वो फिल्टर होता है मिनट uh, के अकॉर्डिंग कौन सा प्रेशर लगता है क्यों लगता है प्रेशर और यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर तो बेसिकली आज के ये जो वीडियो है उसमें आपके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो इसको आखिरी तक देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के टर्म्स को भी समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस सेट में बताया हुआ है कि भाई जो हमारा एफरेंट एट्रियोल है वहाँ से ब्लड आता है और फिर कैपिलरी के थ्रू बोमिन कैप्सूल में जाता है फिर वहाँ से फिल्टर जो भी चीज़ें होती हैं वो होना होता है और जो नहीं होनी होती है वो फ्रेंड्स से चली जाती है ये बेसिक कॉन्सेप्ट था अब अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स एफ्रेंट एंट्री से अप्रोक्स 1200 सौ पर मिनट के हिसाब से ब्लड एफ्रेंट एट्रियोल से आती है जिसमें छः सौ पच्चीस एम जो है वो कैपिलरी में फिल्टर होने के लिए जाती है और जिसका तकरीबन बीस प्रतिशत भाग फिल्टर होकर के पहुंचता है हमारे बोमेन कैप्सूल में अप्रॉक्स वन ट्वेंटी फाइव जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आता है जिसमें प्लाज्मा वगैरह होती है सब की सब तो अप्रॉक्स हम लोग बोल देते हैं कि अप्रॉक्स जो ब्लड जितनी आती है सिक्स उसका ट्वेंटी जो होता है वो हमारे बोमेन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है इस बात को हम लोग बेसिकली जानते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें हैं उसको एक बार फिर से क्लियराइज कर दूंगा कि एफरेंट एट्रियोल में अप्रॉक्स 1200 हंड्रेड uh, एम ब्लड आती है पर मिनट के हिसाब से जिसमें से 625 ट्वेंटी जो ब्लड होती है पर मिनट के हिसाब से वो कैपिलरीज़ में आती हैं बोमेन कैप्सूल में जो फिल्टर होने के लिए आएंगी और बाकी जो बची खुची चीज़ें हैं वो एफरेंट में चली जाएंगी अप्रॉक्स सात सौ के आसपास में तो यहाँ पे जो 625 सौ होता है वो उसमें से तकरीबन 125 ट्वेंटी मतलब तकरीबन 20 परसेंट पार्ट ही जो होता है वो फिल्टर होता है हमारे बोमेन कैप्सूल में ठीक है इस बात को आप जानते हैं ना अब यहाँ पे इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी इस मैथमेटिकल एनालिसिस को आप लोग ध्यान से समझिएगा अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रेशर पे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको ध्यान देने वाली चीज़ है वहाँ पे मैंने ब्लड के बारे में बात किया जो फिल्टर होकर के आ रही हैं जा रही हैं उसकी बात मैंने बताई अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट प्रेशर के बारे में जो बोमन कैप्सूल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं एफरेंट एफरेन्टेट्रियोल से जितनी भी ब्लड आपकी आती हैं, वहाँ पे जो सबसे मेन प्रेशर होता है वो होता है जी एच आर यहाँ पे तीन प्रेशर्स काम करते हैं ध्यान में सुनिएगा यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के आसपास अप्रॉक्स तीन प्रेशर काम करते हैं जिसको हम लोग जी एच आर बोलते हैं ग्लोमेरुलड्रोस्टैटिक प्रेशर सी ओ पी कहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग एक और प्रेशर है जिसको हम लोग सी एच पी के नाम से जानते हैं ये तीनों प्रेशर जो होते हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के टाइम पे काम करते हैं और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर्स के कारण प्रेशर क्रिएट होता है जो भी प्रेशर्स है यहाँ पे जो भी जिस तरह से भी क्रिएट होता है उसको मैंने बगल में नोट्स भी आपको रख दिया रीजन ये है कि कई जगह आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं नोट्स नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपके बगल में सिंपली लिखी हुई कुछ लाइनें हैं जिसको आप देख करके चीजों को समझ सकते हैं कि नोट्स में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है जैसे यहाँ पे एक प्रेशर ऐसा होता है जो बोमेन कैप्सूल के तरफ लगता है और दो ऐसे प्रेशर होते हैं जो अपोजिट साइड में लगते हैं बोमेन कैप्सूल के तो ये बात ध्यान रखेंगे तीन प्रेशर हैं तीन प्रेशर में एक प्रेशर जो है वो बोमन कैप्सूल की तरफ लग रहा है जैसे कि जी को अगर आप देखिए और दो ऐसे प्रेशर हैं जो

फिल्ट्रेशंस को प्रमोट करेगा और दो ऐसे हैं जो फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा जैसे कि सी एच पी एंड सी ओ पी यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसको हम लोग जी एच पी कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं इट पुसेज वॉटर इट पुसेज वॉटर एंड सोल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा मेन जो प्रॉपर पहली प्राइमरी स्टेप्स मैंने आपको क्या बताई थी कि जो भी ब्लड कैपिलरी से आती है चीज़ें जो भी चीज़ें जैसे ब्लड, जो भी चीज़ें पॉजिटिव चार्ज की हैं और वाटर हो गया वो बहुत इजीली से पास हो जाती हैं जिनकी साइज मैंने आपको बताई थी हंड्रेड नैनोमीटर फिर ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर के आसपास अगर हैं और साथ में वो पॉजिटिव चार्ज हैं फिर सेवन नैनोमीटर के आसपास वो बहुत ईजिली तरीके से पास हो जाती हैं तो ऐसी चीजें जो बहुत इजीली तरीके से पास होने वाली होती हैं वो यहां पे नीचे की तरफ आती हैं और जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो वही कह रहे हैं सोल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा थ्रू ग्लोमेर फिल्टर जीबीएचपी इन ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज विच इज अबाउट फिफ्टी फाइव एम एम एच जी और यहां पर जो कैपिलरीज पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो अप्रॉक्स पचपन एम एम एच जी के आसपास होता है ठीक है तो लिखा हुआ है प्रमोट फिल्ट्रेशन इट पुसेज वाटर एंड सोल्यूट इन ब्लड प्लाज्मा थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्टर जी बी एच पी इज द ब्लड प्रेशर इन जी बी एच पी क्या है वो ब्लड प्रेशर है जो हमारे ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज मतलब ये वहां का ब्लड प्रेशर है जो कैपिलरीज हमारी बोमेन कैप्सूल्स में मौजूद है ठीक है Which is about वहां पे कितना होता है तकरीबन 55 फाइव एम एम का प्रेशर वहां पे हमें देखने को मिलता है ठीक है और 55 फाइव एम एम का प्रेशर वहां पे क्रिएट होता है जो पुश करता है उस मटेरियल को अंदर जाने के लिए फाइनल होगी बात बात आ गई समझ में अब ये तो प्रेशर था जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा था प्रेशर डाल रहा है ना प्रमोट कर रहा है फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है अब दो ऐसे प्रेशर हैं जैसे कि सी ओ पी एंड सी एच पी ये क्या करेंगे अपोज करेंगे मतलब ये फिल्ट्रेशन का मतलब जो भी हमारा वोमेन कैप्सूल है उसके बाहर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसकी बात करते हैं यहां पे क्या होता है कि जो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले सी एच पी की अपोज प्रेशर में सबसे पहला जो प्रेशर है वो है सी एच पी जिसका प्रेशर अप्रॉक्स फिफ्टीन एम एम मर्क्यूडी एच जी होता है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे यहां पे एक अदर प्रेशर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब ये प्रेशर कैसे एग्जर्ट हो रहा है या ये प्रेशर कैसे आ रहा है ये प्रेशर इसलिए आता है क्योंकि जब बहुत सारा आ, मिनरल्स बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जब अंदर आता है तो यहां पे अगर आप इस पूरे एरिया का अगर आप वॉल्यूम देखो तो इस एरिया का जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है लेकिन अंदर जाने के लिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल है उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है जिसके कारण ये बहुत जब आप जैसे कीप होती ना जब आप पेट्रोल को बहुत तेजी से किसी कीप में भरोगे तो क्या होगा एक टाइम पे बाद वो फुल हो जाएगा ना तो इसीलिए बोलते हैं कि कीप में आराम आराम से तेल डालो ताकि आराम आराम से जाए अदरवाइज यहां से तेल क्या हो जाए गिर जाएगा तो यही चीज़ यहां पे भी होता है जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाता है तो वो उतनी तेजी से प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर नहीं जा पाता है और जब वो बहुत तेजी से प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर नहीं जा पाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रेशर बाहर की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं ये क्या कर देते हैं प्रेशर्स को बाहर की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं और यही प्रेशर होता है हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ठीक है लिखा हुआ है एज द फिल्टर इज फोर्स इन टू कैप्सूल स्पेस इट मीट्स टू फॉर्म ऑफ रजिस्टेंट कैप्सूल एंड द दैट इज ऑलरेडी फिल्ड इन द रेनल ट्रिब्यूट तो ये बेसिकली उस फ्लू से लगता है जो रेनल टिब्यूल के अंदर मौजूद होता है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और ये बैक पुश करता है ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है और ये प्रेशर तकरीबन कितना होता है फिफ्टीन एम एम एच जी के आसपास में होता है ओके समझ में आ गई मेरी बात अब उसके बाद एक लास्ट प्रेशर की बात करूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर है और इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीओपी। ये जो प्रेशर होता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉयड ऑस्मोटिक प्रेशर ये बेसिकली हमारा यहां से नहीं बनता है मतलब रेनल से इसका कोई भी लेना देना डायरेक्टली नहीं होता है लेकिन ये प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर रीजन ये होता है कि जो हमारी ब्लड प्लाज्मा होती है वहां पे बहुत सारे जैसा कि मैंने पिछले आ, सेट में बताया हुआ है आपको कि जब हमारा ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या फिर जिनका शेप साइज काफी सॉरी जो निगेटिव चार्ज होता है जिनका शेप साइज काफी बड़ा होता है वो इजली तरीके से पास नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे जो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता चला जाता है ठीक है ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता क्या हुआ चला गया सोल्यूट का और जाहिर तौर पे जहां पे भी सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उधर की तरफ वाटर क्या करेगा मूव करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा वहां पे। जहां पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उधर की तरफ वाटर बहुत तेजी से मूव करेगा मतलब रेनल ट्रिब्यूल से या फिर यहां से वॉटर क्या करेगा मूव करेगा किधर की तरफ सीओपी की तरफ मतलब कि कैपिलरी की तरफ और जब कैपिलरी की तरफ वाटर मूव करेगा तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा उस पर जो प्रेशर पड़ेगा वो इंक्रीज होगा वहां पे एक प्रेशर शुरू हो जाएगा और उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सी या फिर उसी को हम लोग कहते हैं कोलायड ऑस्मोटिक प्रेशर मेरी बात नहीं समझ में आई फिर समझिए मान लीजिए कि यह कैपिलरी है और वो वहां पे एल्बुमिन वगैरह है वो फिल्टर नहीं हो सकता है क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है बड़े मॉलिक्यूल्स हैं नहीं जा सकते हैं तो इस कंडीशन में जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर क्या करेगा मूव करके जाएगा वही चीज लिखा हुआ है कि इट इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन द ग्रेटर इट्स ऑफिक प्रेशर अगर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बनाओ तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा बिकॉज ब्लड कंटेन अ मच हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन दैट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट सम वाटर मूव टू फिल्टर बैक इन टू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कुछ जो वाटर है वो बैक करके जाएगी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में और फिर वहां के प्रेशर को बढ़ा देगी तकरीबन कितना थर्टी एम एम एच डी तो मैंने तीन प्रेशर की बात की जी एच आर जो फिल्ट्रेशन को प्रमोट कर रहा है सी एच पी जो अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है ड्यू टू द रेनल रेनल जो हमारा है पूरा बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर ज्यादा मटेरियल होने के कारण और एक प्रेशर है जो ऑस्मोटिक प्रेशर कारण बढ़ रहा है जिसको हम लोग ने बोला सीओपी। अब यहां पे जो सवाल आता है वो ये आता है कि एन क्या होता है नेट फिल्टर या सॉरी ओके एन क्या होता है उसको बताना अब देखिए जी एफ आर जो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है जी एफ आर इज वॉट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट मतलब कि हमारा जो ब्लड है वो कि किस हिसाब से फिल्टर हो रहा है उसमें तीन चीजों वो बेसिकली डिपेंड करता है एक होता है एनएफपी एक होता है सरफेस एरिया और एक होता है परमिबिलती तो अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो सभी प्रेशर से रिलेटेड है इसका मतलब वो एन से रिलेटेड है तो एन एफ पी इज इक्वल टू क्या होता है एन एफ पी इज इक्वल टू होता है जी ए जी एच पी भी लग गया है कोई दिक्कत नहीं आप जी एच पी बोलो या जो भी हमारा है ठीक है जी एच पी एक ये है जिसको हमने वहां पे जी एच आर लिखा हुआ है और उसके बाद यहां पे क्या चीज है आपका माइनस सी एच पी प्लस सी ओ पी मतलब अगर हम जी एच पी की बात करेंगे तो वो अप्रॉक्स होता है कितना दिया हुआ है फिफ्टी फाइव एम एम एच जी कितना दिया हुआ है फिफ्टी फाइव एम एम एच जी दिया हुआ है माइनस मैंने कर दिया किससे इससे सी एच पी सी एच पी कितना दिया है फिफ्टीन है कितना है फिफ्टीन है प्लस बी सी ओ पी मतलब ब्लड जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको कितना दिया है थर्टी तो हमने जब सभी को कैलकुलेट किया तो आ गया 10 एम एम एच जी तो नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो अप्रॉक्स आपका आ रहा है आ, 10 mm Hg के तो जो जी एफ आर होता है वो समानुपाती होता है या आप बोलो कि उसके इक्वल होता है किसके एन एफ पी के मतलब अगर एन एफ पी बढ़ेगा अगर एन एफ पी बढ़ेगा तो जी एफ आर भी बढ़ेगा यहां पे इस लाइन के यही कहने का मतलब है मतलब अगर जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे जैसे मान लो कि आप ग्रोथ फिल्ट्रेशन अगर आप फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाओगे ज्यादा ब्लड फिल्टर करोगे तो एन पे भी क्या होगा ज्यादा होगा ना भाई अगर यहां पे मैं दस दस के जगह पे कुछ ज्यादा प्रेशर कुछ ज्यादा ब्लड लाऊंगा तो प्रेशर भी क्या होगा उस हिसाब से इंक्रीज होगा जीएचआर भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा सीओपी भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा सी एच पी भी उस हिसाब से इंक्रीज होगा तो एन एफ पी भी क्या हो जाएगा उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा मतलब जीएफआर इज डिपेंड अपॉन एन एफ पी एन एफ पी बढ़ा तो जीएफआर बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ा तो एन एफ पी बढ़ेगा अब यहां पे जो दूसरी दो और चीजें हैं जैसे कि आपने बोला सरफेस एरिया आप सरफेस एरिया क्या चीज है सरफेस एरिया क्या होता है कि यहां पे सरफेस एरिया कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैं इस एरिया को ड्रॉ कर दूं इतना जो भी हमारी कैपिलरी वाला एरिया है मान लो हमने यहां पे कैपिलरी वाले एरिया को ग्रो करा दिया क्या करा दिया कैपिलरी वाला एरिया हमने यहां बढ़ाया एक तरफ हमने इसके सरफेस एरिया को थोड़ा सा छोटा रखा और इसके सरफेस एरिया को थोड़ा सा बड़ा रख दिया तो अब क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ाने से सरफेस एरिया के बढ़ाने से क्या होगा कि जो जी एफ आर है वो भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होगा जी एफ आर बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहां पे मूव करके आएंगी मतलब जी एफ आर का मूवमेंट बढ़ जाएगा अगर हम कैपिलरी के सरफेस एरिया को क्या कर दें इंक्रीज कर दे तो अगर वहीं पे सरफेस एरिया को घटा देंगे तो जाहिर तौर पे जो फिल्ट्रेशन है वो घट जाएगा फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा तो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो घट जाता है क्योंकि उसकी साइज मोटी हो जाती है कैपिलरी की जिसके कारण सरफेस एरिया घट जाने के कारण जो ब्लड है वो उतने रेट से फिल्टर नहीं हो पाता है परमेबिलिटी क्या होती है परमियबिलिटी डिपेंड करती है हमारे जो कैपिलरी हैं वहाँ पे मौजूद चैनल्स पे अगर प्रोटीन चैनल्स ज़्यादा हैं प्रोटीन चैनल्स अगर ज़्यादा हैं तो उसकी परमियबिलिटी भी ज़्यादा होगी मतलब अगर यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं तो उस कंडीशंस में जाहिर तौर पे यहाँ पे मान लो दो प्रोटीन चैनल्स हैं और वहाँ पे पांच हैं तो जाहिर तौर पे जो परमिबिलिटी है वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी मतलब परमिबिलिटी डिपेंड करती है कि किस कैपिलरी में जो पोर्स वगैरह हैं वो किस तरह से हैं ये केस बनते हैं कई तरह के डिफरेंट कंडीशंस में या डिजीज में जिसको हम लोग कभी एक्सक्रिटिव डिजीज के अंदर मेंशन करेंगे तो आशा है आज के इस वीडियो में जो प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो दूर हुई होंगी और आपको क्लियरली विजिबलाइज करके आपको बताया गया है नोट्स को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा आशा आपको वीडियो पसंद पसंद लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू आज इस वीडियो सेगमेंट में ये तीसरा वीडियो सेगमेंट है एक्सक्रिटिव सिस्टम का जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के बारे में अब ये जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल होता है ये बेसिकली जो तीसरा वीडियो सेगमेंट है तो मैं उन सभी जो भी लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं जिनको केवल पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल में एब्जॉर्प्शन को या फिर मैकेनिज्म को जानना है वो इसको देख लें लेकिन अगर आप पूरा एक्सीट सिस्टम पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नंबर वन नंबर टू वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की बात की गई है क्योंकि इसके बाद ही जो है नेक्स्ट स्टेप आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल होती है और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो लूप ऑफ हेनले की करेंगे फिर डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल आता है और फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है तो आज जो हमारी बात होने वाली है वो होने वाली है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के बारे में जहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा कि प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ है जिनका एब्जॉर्प्शन होता है सॉरी री एब्जॉर्प्शन होता है और कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जिनका कितने अमाउंट में एबजॉर्बशन होता है किस तरीके से प्रोटीन ऐबज़ॉर्ब की जाती है किस तरीके से ग्लूकोज एब्जॉर्ब किए जाते हैं क्या चैनल्स वगैरह का कैसा वहाँ पे फंक्शन होता है सोडियम आयन और क्लोरीन या पोटेशियम आयन का कैसा चैनल ऑपरेट होता है ये तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम आज प्रॉक्जिमल कॉन्विटेड टिब्यूल के अंदर बात करेंगे अब यहाँ पे क्या है कि जैसे सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दूँ कि बोमिन कैप्सूल्स के अंदर जब कोई भी चीज़ हमारी फ़िल्टर होकर के आती है मैंने कहा था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया लैक्टेज हो गया अमीनो एसिड्स हो गया कुछ विटमिनस हो गए तो बेसिकली अगर हम बात करें चार्जेस हो गए इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोरीन ये सभी चीज़ें हो गई तो ये सभी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है वाटर हो गई ना तो ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए क्या होती हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को और इसलिए हमें इनको क्या करना होता है कि बचाना होता है सिक्योर करना होता है इसीलिए हम इनको क्या करते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन है या फिर जो भी हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल होता है जहाँ से हमारी यूरिन फिल्टर हो रही होती है वहाँ से क्या होता है कि हम इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे जो भी इम्पोर्टेंट आपके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनको हम क्या कर लेते हैं री एब्जॉर्ब कर लेते हैं इतनी बात ध्यान रखेंगे कि अमीनो एसिड लैक्टेज और ग्लूकोज जो होता है वो बेसिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको हम किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते हैं इसलिए वो हंड्रेड प्रॉक्सिमल कॉन्वीलेटेड टिब्यूल के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है ये सवाल बन सकता है तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एमिनो एसिड्स हो गए और आपका आ, क्या नाम से ग्लूकोज हो गया ये हंड्रेड परसेंटली यहीं पे ब्लड कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अब क्या है आपको दिख रहा होगा कि ब्लड कैपिलरी के बीच में यहाँ पे आपको एक स्पेस दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ी और सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं की मूवमेंट कराने में काफ़ी मदद करती हैं उसको हम अपने नेक्स्ट डायग्राम के अंदर बात करेंगे तो यहाँ की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे हमने प्रेशर के बारे में भी आपको बताया है सभी चीज़ों के बारे में बताया पिछला वीडियो चेक कर लीजिए और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल के बारे में अब उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी पोर्शंस को जो मैं इस पोर्शंस को बता रहा हूँ वही पोर्शंस यहाँ पे है ये वाला पोर्शन ठीक है ना ये तो ग्लोमेरुलस वाला बात हो गया ग्लोमेरुलर मतलब वोमन कैप्सूल के जस्ट नीचे का जो पोर्शन होता है जस्ट बगल का जो पोर्शन होता है जस्ट नेबर पोर्शन जो, जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल या फिर जिसको हम लोग पी के नाम से जानते हैं अब इस डायग्राम में देख करके आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पूरा एकदम मतलब से क्या कहते हैं खिचड़ी पक गई है लेकिन आप एक एक करके चीज़ों को समझते चलेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल डायग्राम आपके लिए है देखिए सबसे पहले जो मैं बात करूंगा कि ये जो क्या चीज़ें हैं ये जो चीज़ आपको बगल बगल दिखाई दे रही है जिसको मैंने आपके सामने बॉक्सेस के फॉर्म में बनाए हैं ये सेल्स हैं ये क्या हैं सेल्स हैं जो कि ब्लड कैपिलरी जो यहाँ पर मैंने अभी आपको पीछे बताया था जो ब्लड कैपिलरी और हमारे प्रॉक्सिमल टिब्यूल के बीच में है ये बेसिकली हमारी प्रॉक्सिमल टिब्यूल है और उसके बगल में एक सेल है और उसके बगल में हमारी ब्लड कैपिलरीज है ठीक है ना तो ये जो सेल होती है ये ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है मॉलिक्यूल्स को तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है देखिए यहाँ पे मैं एक एक कंपोनेंट्स को उठाऊंगा और प्रॉपर जो है एक एक कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं उनको एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए जो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए कि जो कंपोनेंट का सबसे ज्यादा मेजर ट्रांसपोर्ट हमें यहां पे देखने को मिलता है वो सोडियम आयन का देखने को मिलता है और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है यहां पे क्या होता है कि जो सोडियम आयन होता है वो यहाँ पे अंदर की तरफ एंटर करता है और अंदर की तरफ जब वो एंटर करता है तो जितने भी चीज़ें आपको अंदर की तरफ एंटर करते हुए दिखाई दे समझ लीजिए वहां पे एक चैनल मौजूद होता है क्या होता है चैनल मौजूद होता है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे आपको जो सोडियम आयन है वो यहाँ पे मूव करते हैं और खुद खुद जो सोडियम आयन होते हैं ये जो हमारे सोडियम आयन होते हैं और जो पोटेशियम आयन होते हैं वो खुद फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फोर्सफुली ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो सोडियम आयन होता है हमारा जो हमारा यहाँ पे सोडियम आयन आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या होता है कि सोडियम आयन हमारा जो होता है वो बेसिकली बाहर फोर्स किया जाता है क्या हमारा तीन सोडियम आयन यहाँ पे एरो उल्टा लग गया है तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये इसको आप अपने दिमाग से थोड़ा सा हटा देंगे कि यहाँ पे जो सोडियम आयन है आपका वो क्या होगा तीन सोडियम आयन बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और दो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और ये जो प्रोसेस होती है ये फोर्सफुली होती है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है अगर आप प्लाज्मा में नहीं पढ़े हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो अब आपको पता होगा नहीं पढ़े हो तो भाई थोड़ा सा दिक्कत करेगा लेकिन अगर आप पढ़े हुए हो तो आपको मैंने कहा है बहुत पहले ही बता दिया है अगर नहीं देखा देख लीजिएगा और भी वीडियो कि जब हम अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट काम करते हैं तो उस सिचुएशन में मतलब जब हम यहाँ पर सोडियम आयन कंसन्ट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं ना देखिए सोडियम आयन तो यहाँ पर आ गया ना अब यहाँ पर सोडियम आयन का कंसनट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है लेकिन जब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सोडियम आयन है उसको हम बाहर पुश करेंगे और जो पोटेशियम आयन है उसको हम क्या करेंगे अंदर की तरफ पुश करेंगे और ये लगातार हम पुश करते रहेंगे भले कंसंट्रेशन कितना भी मीडियम बन जाए और वो किसके थ्रू करेंगे एटीपी के थ्रू करते हैं तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा साथ में क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उसी समय यहाँ पे क्या होता है कि उनके चैनल्स खुलने के कारण यहाँ पे उनके चैनल्स ओपन होने के कारण उनके चैनल खुल जाने के कारण यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होता है और जो लैक्टेट होता है क्या होता है ग्लूकोज जो होता है और जो हमारा लैक्टेट होता है ये भी इसी चैनल्स के थ्रू इसी चैनल्स के हेल्प के थ्रू यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं समझ में आ रही मेरी बात की नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो सोडियम आयन थे जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे यहाँ से प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल से सेल्स से के अंदर उस चैनल्स के हेल्प से हमारे जो ग्लूकोज हैं और लैक्टेट हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो गया इस सेल के अंदर और उसके बाद यहाँ पे एक चैनल पाई जाती है उस चैनल के थ्रू वो जो ग्लूकोज और लैक्टोज है वो ट्रांसपोर्ट हो गए हमारे या एब्जॉर्ब हो गए हमारे ब्लड के अंदर या फिर ब्लड कैपिलरी में इस तरीके के ट्रांसपोर्ट से अगर वो पेसिवली ये किस तरह से हो है? रहा है पेसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा सोडियम आयन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ज़बरदस्ती तीन सोडियम आयन को जो है वो बाहर भेजा जा रहा है यहाँ पर जो सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली पेसिवली हो रहा है एक्टिवली हो रहा है क्या हो रहा है एक्टिवली हो रहा है लेकिन जो पोटेशियम आ, जो जो हमारा ग्लूकोज है और जो हमारा लैक्टेट है ये पेसिवली हो रहा है मतलब कि इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये किसके हेल्प से होगा सोडियम आयन चैनल्स के हेल्प से होगा इसके पोर्टर के द्वारा होगा इसलिए इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे जो ग्लूकोज या फिर जो लैक्टेट है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज और लैक्टोज को मैंने ट्रांसपोर्ट करा दिया है तो ये हमारी प्राइमरी स्टेप्स थी अब उसके बाद क्या होता है कि सोडियम आयन आपको हर जगह देखने को मिलेगा यहाँ पे भी सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बगल की सेल्स में और यहाँ पे भी क्या होता है जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो आपको कम देखने को मिल रहा है और यहां पे क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार जो सोडियम आयन है वो क्या करा जा रहा है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तीन सोडियम आयन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है ब्लड के अंदर और दो सोडियम आयन इंपोर्ट किया जा रहा है मतलब कि लिया जा रहा है पोटेशियम आयन का तो देख रहे हैं कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम दिखा रहा है और यहाँ पे जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि पोटेशियम आयन लगातार ब्लड से अंदर की तरफ आ रही है और जो सोडियम आयन है वो हमारी क्या कर रही है बाहर की तरफ जा रही है तो तीन सोडियम आयन बाहर की तरफ जा रही है और दो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आ रही है अब यहाँ पे बात करते हैं सोडियम आयन पोटेशियम आयन तो चलिए ठीक है अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अमीनो एसिड्स लगातार इस सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे और ये भी सोडियम आयन चैनल्स के थ्रू पेसिवली ट्रांसपोर्ट होंगे फिर से मेरी बात को ध्यान में रखिएगा सोडियम आयन चैनल्स के ओपन होते ही ये बात ध्यान रखिएगा पोटेशियम आयन और सोडियम आयन के एक्सपोर्ट से जो चैनल ओपन हो रहे हैं उसी के थ्रू हमारे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स हैं ग्लूकोज हैं ये बहुत ही ईजिली तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पेसिवली और ये एग्जाम्पल्स होते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो एमिनो एसिड्स है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है और वो भी एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड कैपिलरी के अंदर तो इस तरीके से जो हमारा एमिनो एसिड्स है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब या री कर लिया जाता है देखिए लैक्टोज एमिनो एसिड और ग्लूकोज इन तीनों चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट है या एब्जॉर्पन है वो हंड्रेड परसेंट होता है जबकि अगर आप देखेंगे सोडियम आयन का वाटर मॉलिक्यूल का क्लोरीन का पोटेशियम का इनका एक परसेंटेज है लेकिन हंड्रेड परसेंट नहीं है मतलब एक परसेंटेज तय कोई सिक्सटी फाइव है कोई फिफ्टी फाइव है कोई फिफ्टी परसेंट है, है लेकिन हंड्रेड परसेंट कोई नहीं हंड्रेड परसेंट मॉलिक्यूल केवल ग्लूकोज एमिनो एसिड और लैक्टेज ही होगा और सोडियम आयन के ट्रांसपोर्ट में आप हर दफे देख रहे हो कि ए की जरूरत पड़ रही है मतलब ये एक एक्टिव एक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एच सी ओ थ्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है एच सी ओ थ्री अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मैं एच सी ओ थ्री को लेकर के यहाँ पे आ गया हूँ ठीक है अब एच सी ओ थ्री को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड होती है हमारी ब्लड के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपोर्ट होते हैं इस सेल के अंदर और ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज या सी ए जो होता है ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को साथ में जोड़ता है और बना लेता है एच टू सी ओ थ्री अभी जो हमारा एच टू सी ओ थ्री होता है जो हमारा बेसिकली कार्बोनिक एसिड होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि आगे जाकर के ब्रेक हो जाता है किसमें एच प्लस और एच सी ओ थ्री में मतलब बाई कार्बोनेट में और एच प्लस में ब्रेक हो जाता है अब ये जो एच प्लस है वो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्रिब्यूल में एच प्लस ओनली एच प्लस जाता है और इधर से एच सी ओ थ्री आता है और एच सी ओ थ्री और एच प्लस मिल करके बन जाते हैं एच टू सी ओ थ्री क्या बन जाते हैं एच टू सी ओ थ्री और फिर यहाँ पे एक एंजाइम होता है वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इन्हें दोबारा ब्रेक कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ में आ गई मेरी बात की नहीं यहाँ पे जो एच सी ओ थ्री था उसका ब्लड में पूरी तरह से 90% परसेंट हो जाता है किसका एच सी ओ थ्री का पूरा नाइन्टी परसेंट क्या हो जाता है एब्जॉर्बन हो जाता है और जो यहाँ का जो एस सी ओ थ्री होता है वो ब्रेक होता है वो ब्रेक होकर के बेसिकली हमारा क्या बना लेता है वो बना लेता है वाटर और कार्बन डाई ऑक्साइड जो कि धीरे धीरे जा करके इसी प्रोक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूबुल में सिक्रीट होते होते एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे ब्लड का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर ब्लड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल और कार्बोनिक एनहाइड्रेट को सिक्रीट ना करती तो उस सिचुएशंस में यहाँ पे एस थ्री को ब्रेक करना मुश्किल पड़ जाता तो इस तरीके से यहाँ पे एस सी थ्री कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एच टू ओ में तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और जो यहाँ पे एच सी ओ थ्री होता है जो कि बना रहता है इस सेल के अंदर उसका नाइन्टी परसेंट वो तकरीबन तकरीबन एब्जॉर्व कर लिया जाता है अब यहाँ पे एस सी ओ थ्री भी एब्जॉर्व कर लिया गया ये भी कर लिया गया अब बात करते हैं लिपिड्स की और कुछ अदर प्रोटीन्स की जैसे हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन के बारे में अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भी जो लिपिड और जो यूरिया होती है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब की जाती है 100 परसेंट तो यूरिया एब्जॉर्ब नहीं की जाती है पर लिपिड्स के साथ में जो यूरिया का थोड़ा सा अमाउंट होता है वो भी ब्लड द्वारा रीऐब्ज़ॉर्ब किया जाता है तो इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि यूरिया का एबजॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता है हाँ ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़े मोड़े अमाउंट्स में यहाँ पे लिपिड के साथ में यूरिया का भी री एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है अब आपको पता है लिपिड जो होता है वो बेसिकली Uh, बहुत ईज़ली तरीके से आपके प्लाजा एम्बेंड को फ्यूज़ करके जा सकता है तो लिपिड्स के साथ में जो यूरिया के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड के अंदर तो ये तो बात हो गई कुछ लिपिड्स की और यूरिया की बाकी अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो डायरेक्टली डायरेक्टली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है कि जब हमारे सोडियम पोटेशियम आयन जहाँ चैनल्स होते हैं वहीं से वो डायरेक्टली जो है तकरीबन 65 परसेंट वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल के अंदर एब्जॉर्व किया जाता है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ठीक है अब उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर अब जो आपके पास में मटेरियल बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं बेसिकली हमारे स्मॉल प्रोटीन्स ये जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं ये स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं हमारे इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन देखिए जो इंसुलिन और हीमोग्लोबिन है ये भले कहने को स्मॉल प्रोटीन होते हैं पर ये आपके बेसिकली क्या होते हैं कि इंसुलिन और जो हीमोग्लोबिन होता है इनकी होती है सबसे पहले इंडोसाइटोसिस क्या होती है इंडोसाइटोसिस होती है और इंडोसाइटोसिस कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये प्रोटीन जो होते हैं वो क्लेथरीन कोडेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और वो पूरा उसी के अंदर जो होता है एक वेसिकल्स के अंदर जो होते हैं ये प्रोटीन्स को आ जाते हैं इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू मतलब कि किसी भी बाहर की चीज़ को अपने अंदर एक पाउच के अंदर ले लेना ठीक है अगर आपने प्लाज्मा इम्ब्रेन में पढ़ा होगा इंडोसाइटोसिस एक्जोसाइटोसिस तो आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा अब ये क्या होते हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाते हैं और फिर ये डिग्रेडेड हो जाते हैं छोटे छोटे एमाइनो एसिड्स में एंड देन ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर तो पहले ये प्रोटीन्स होते हैं फिर उसके बाद इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है ब्रेक करने के बाद इन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता है हमारे ब्लड कैपिलरी के अंदर या फिर ये रि कर लिए जाते हैं तो ये था कहानी इंसुलिन और हीमोग्लोबिन तो इसमें इंसुलिन और हीमोग्लोबिन भी होता है ये भी आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है यहाँ पे जितनी भी चीज़ अगर हम बात करें एस टू सी ओ थ्री कार्बन डाइऑक्साइड ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है ये सभी चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही हैं साथ में जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे एमिनो एसिड ग्लूकोज ये कहीं कही ना कहीं सोडियम और आ, पोटेशियम चैनल्स के या फिर एंटीपोटर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये एस टू सी ओ थ्री तो ये हाइड्रोजन आयन इसलिए ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन लगातार अपने चैनल से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इससे क्या होता है कि सोडियम आयन का जो एक एंटीपोर्टर है वो यहाँ पे बनता है जिसके कारण इस चैनल से हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करता है इससे सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का एक एंटीपोर्टर बनता है जिससे कि ये ईजिली एक्सपोर्ट होते रहते हैं ठीक है ना इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस तरीके से एस आता है और इससे रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और एस में ब्रेक हो जाता है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बाकी बचे हुए जितने भी मोलिक्यूल हैं जैसे क्लोरीन है कैल्शियम आयन है मैग्नीशियम आयन है ये सभी मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं या फिर जो जंक्शंस होते हैं दो दो सेल्स के बीच में उन जंक्शंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं या एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं ब्लड के अंदर जो भी इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो तो यहाँ पे था आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल बाकी इसमें अभी आपको बहुत सारी चीज़ें और जाननी है जैसे कि कुछ सेलुलर प्रोसीजर्स हैं उनको जाननी है कि कौन सी सेल्स रिएक्शन होती है हारमोन्स का रोल इन पर किस तरह का होता है उसको हम लोग बात करेंगे जब मैं आपसे बात करूँगा लूप ऑफ हेनले की तो वहाँ पे उसके पहले मैं आपको इसके बारे में डिटेल्ड थोड़ा सा और बताऊँगा तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी आपको सोडियम आयन चैनल्स देखने को मिले तो आप ध्यान में रखिएगा कि तीन सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर ब्लड में भेजे जाते हैं और दो पोटेशियम आयन अंदर एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बगल वाली सेल्स में हमेशा कम ही रहता है तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन था हमारा जो भी चीज़ बाहर ब्लड से फिल्टर होकर के आई थी वो जाती है प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल में जहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल डिसाइड करता है कि उसको क्या बाहर जाने देना है क्या एब्जॉर्ब होने देना है और किस तरीके से वो एप हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट थी जो थोड़ी समझने वाली थी एक इसको भी आप ध्यान में रखिएगा एक एमिनो एसिड्स को भी ध्यान में रखिएगा आशा प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड टिब्यूल का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल सब्सक्राइब करिएगा सिंपली वे में बताने की कोशिश की हुई है तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा वैसे मैं जाते जाते बता दूं कि हम लोग इस हिस्से की बात कर रहे थे प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल की अगले वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे लूप ऑफ हेनले की और फिर उसके बाद डिजिटल कॉन्विट ट्रिब्यूल देन कलेक्टिंग डग जहाँ पे हमारी यूरिन इकट्ठा होगी थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीवन मैं नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी ऑनलाइन टीचिंग ओटी में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में लूप ऑफ़ हेंले में क्या होता है कि हमारा जो बेसिकली जो भी यूरिन होता है वो जब फ़िल्टर होकर के प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल से आता है तो वो पहुंचता है हमारे लूप ऑफ हेनले में अब ये जो लूप ऑफ हेनले होता है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी असेंडिंग लूप होती है या असेंडिंग लिम्स होती है और जो हमारी डिसेंडिंग लिम्स होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं अभी आपके सामने ये जो डायग्राम खुला हुआ है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हाइपरटोनिक और हाइपोटॉनिक के बारे में क्योंकि लूप ऑफ हेनले के अंदर हम लोग इस प्रोसीजर्स को फॉलो होते हुए देखेंगे और इसी सारी चीज़ों से चीज़ों को हम लिंक करेंगे देखिए क्या होता है कि जब आप एक इस तरीके का सॉल्यूशन लेते हैं एक तरीके का मीडियम लेते हैं जिसमें सॉल्ट कंसन्ट्रेशन क्या हो बहुत ज़्यादा हो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज़्यादा है इसके अंदर अगर हम एक ऐसी सेल को डाल दें जिसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशंस उतना ज़्यादा ना हो तो वाटर इससे मूव करके बाहर की तरफ चले जाएंगे कहने का मतलब यह है कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है अगर किसी सेल के अंदर कम है और उसको जिस मीडियम में हमने रखा हुआ है उसमें सोल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में वाटर उस सेल से मूव करके उस सॉल्ट की तरफ चला जाएगा और इस तरीके से करने पे हमेशा जो सेल है वो क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी क्योंकि वाटर उससे मूव करके बाहर चला जाएगा तो इसलिए हम इस तरह के सोल्यूशन को अक्सर हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं कैसा सोल्यूशन कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं जिसके अंदर सोल्ड कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिसमें आपका जो सेल है उसका भी कंसंट्रेशन इक्वल हो बिल्कुल हमारे जिस भी मीडियम में हम उसको डाल रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं जिसमें दोनों बहुत ही बैलेंस रहता है देखिए कोई भी वाटर अगर किसी सेल से मूव करके बाहर जाता है या कोई सॉल्ट मूव करता है तो वो केवल दो रीजन से करता है वाटर के और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वो मूव करना बंद कर देते हैं वो कंसंट्रेशन एकदम इक्वल करने की कोशिश करते हैं मतलब मान लीजिए कि अगर इसका कंसंट्रेशन भी 600 है और इसका कंसंट्रेशन 300 है तो ये तभी तक वाटर को मूव कराएगा जब तक इसका भी कंसंट्रेशन 600 हंड्रेड ना हो जाए जैसे ही हंड्रेड होगा मीडियम जो है वो हमारा आइसोटोनिक कंडीशन में आ जाएगा उसी तरीके से हाइपोटोनिक की बात करेंगे कि अगर हम किसी भी सेल को एक ऐसे मीडियम में डाल दें जिसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन जो हमारी सेल है उसके अंदर ज्यादा हो और बाहर की तरफ जो जिस मीडियम हमने उसको डाला है उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करके आएगा जैसे कि एक किसमिस का एग्जाम्पल आप ले सकते हो अगर हम किसमिस को क्या कर दें कि अगर एक पूरा लोटे भर पानी में रख देंगे तो क्या होगा जो वाटर है वो हमारे लोटे से किसमे के अंदर किसमिस के अंदर आ जाएगा और किसमिस हमारा स्वेल कर जाएगा फूल जाएगा तो इस तरीके की सिचुएशंस को हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं अब आइए समझते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या होता है देखिए जब आप किडनी के स्ट्रक्चर को देखोगे ना तो किडनी में आपको पूरा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि लाइन से लगे हुए रहते हैं ये पूरा आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देगा वहाँ पे उसमें दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एक होता है हमारा रेनल कॉर्टेक्स होता है रेनल होता है ठीक है ठीक और एक क्या होता है हमारा एक हमारा होता है रेनल मेट्यूला तो रेनल कॉर्टेक्स जो ये ऊपर का रीजन होता है इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स और नीचे वाला जो मीडियम होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेनल मेट्यूला तो जिस नेफ्रॉन को हम लोग पढ़ते हैं ना वो नेफ्रॉन का कुछ रीजन जो होता है वो रेनल कॉर्टेक्स की तरफ होता है मतलब ऊपर की तरफ होता है जैसे बोमेन कैप्सूल हो गया प्रोजिमल कॉन्गुलेटेड टिब्यूल हो गया ये सब स्ट्रक्चर रेनल कॉर्टेक्स की तरफ होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं और जो कि जैसा कि मैं दिखा भी रहा हूँ आपको जूम करके देखिए ये हमारा बोमेन कैप्सूल है ये हमारा प्रोक्जिमल टिब्यूल है ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं हमारे रेनल कॉर्टेक्स में लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नीचे का पोर्शन जो लूप ऑफ हेनले आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये वाला जो आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला रीजन ये लूप ऑफ हेनले है तो लूप ऑफ हेनले वाला जो रीजन है ये बेसिकली हमारे रेनल मेड्यूला के अंदर आते हैं तो इस तरीके से आप जानते हो कि रेनल मेड्यूला और रेनल कॉर्टेक्स दो रीजन में हमारे किडनी में होते हैं तो रेनल मेड्यूला वाला जो रीजन होता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं रेन, रेनल रेनल मेड्यूला के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है थोड़ा क्या बहुत ज्यादा होता है सॉल्ट कंसेंट्रेशन कहां पे रेनल मेड्यूला में तो मैंने ये कहा कि सॉल्ट कंसेंट्रेशन रेनल मेड्यूला में ज्यादा होता है मतलब जिस सोल्यूशन में रखने की बात मैं सेल को कर रहा था वो कौन है रेनल मेड्यूला है जिसमें सोल्ट कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज्यादा है और आप देख रहे हैं कि यहीं से हमारी हेनले लूप से हमारी वैसा रेक्टा जो है वो पूरा जो कैपिलरीज वगैरह है वो किस तरीके से अरेंज है तो वैसा रेक्टा जो होती है वो इन्हीं से जुड़ी हुई होती है क्योंकि अभी डायग्राम में जो आपको दिखाने वाला हूं उसमें ये अलग दिखाई दे रहा है वैसा रेक्टा को हम लोग अलग बात करेंगे लेकिन वैसा रेक्टा बेसिकली हमारी यहीं पे है यहीं पर जुड़ी हुई है ठीक है अब आपके सामने देखिए जो डायग्राम है वो बिल्कुल सिंपल बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो ध्यान में रखिएगा मेरी बात को देखिए क्या होता है कि जब हमारा ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन होता है जो जो बोमेन कैप्सूल होता है बोमेन कैप्सूल में अप्रॉक्स 300 मिली ऑस्मॉल की ऑस्मोलैरिटी होती है कितना 300 मिली ऑस्मॉल की मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन अप्रॉक्स थ्री हंड्रेड होता है आप यहाँ पे जो थ्री हंड्रेड है जो मिली ऑसमोल है इसको सोल्डर कंसंट्रेशन समझिए सिंपली आपको समझ में आएगा ठीक है लेकिन जैसे ही अब मैंने कहा कि सबसे पहले बोमेन कैप्सूल

असेंडिंग लिम्ब क्या बोलते हैं असेंडिंग लिब अब ये हमारी जो डिसेंडिंग लिंब होती है और ये जो असेंडिंग लिब होती है ये फेमस होती है दो चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे जो डिसेंडिंग लिम्ब हमारी होती है लूप ऑफ हेनले की वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं लूप ऑफ हेनले से क्या करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं मतलब डिसेंडिंग में जब हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की तो ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं वो रिमूवल करते हैं जबकि अगर हम बात करें असेंडिंग लिंब की तो ये वाटर मॉलिक्यूल इनका कोई लेना देना नहीं होता है ये क्या करते हैं आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालते हैं अभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं जैसे सोडियम so हो गया क्लोरीन हो गया यहां पे पोटेशियम नहीं मैंशन किया गया है पोटेशियम भी होता है तो ये बेसिकली किसका काम होता है लूप ऑफ हेनले का काम होता है मतलब कि जो भी थ्री हंड्रेड मिली ऑसमॉल का कंसेंट्रेशन आया हुआ है सॉल्ट का उसमें से ये क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालेंगे सॉल्ट को बाहर निकालेंगे मतलब कि यही काम इनका होता है ठीक है ना अब देखिए ये जो थ्री थ्री हंड्रेड जो मिली ऑसमॉल होता है ये बेसिकली क्या होता है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह दूं तीन सौ चम्मच चीनी 300 चम्मच चीनी 1000 ए वन ए, एक लीटर पानी में 300 चम्मच चीनी एक लीटर पानी में है तो हम इसको बोलते हैं 300 मिली ओ स्मॉल ठीक है लेकिन अगर 600 चम्मच चीनी एक लीटर वाटर में तो इसका मतलब क्या हो गया कंसेंट्रेशन कितना हो गया 600 मिली ओ स्मॉल अगर हम जैसे और बात करें 900 चम्मच चीनी एक एक हज़ार मतलब वन एक लीटर पानी में तो नाइन हंड्रेड मिलियो आसमॉल अगर हम बात करें ट्वेल्व हंड्रेड चम्मच चीनी और हमारा एक एक, एक लीटर वाटर तो ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑसमॉल मतलब जो हम सॉल्यूट और कंसंट्रेशन देखेंगे वो किस में ज्यादा होगा ट्वेल्व हंड्रेड मिली ऑसमॉल क्योंकि चीनी इज वॉट चीनी सॉल्यूट है ना हमारा और सॉल्यूट के अंदर अगर हम बात करेंगे नौ सौ तो वो तीन सौ से ज्यादा होगा इससे का मतलब ये है कि ये जो हमने बताया ना मेडुला रीजन है ना इसको हमने क्या बोला मेडुला मैंने कहा कि हमारे नेफ हमारे किडनी में दो रीज़न मैंने बताया एक कॉल्टेक्स का रीजन आपको बताया था जिसमें हमारे बोमेन कैप्सूल्स वगैरह हैं और उसके नीचे का रीज़न मैंने कहा मेडुला मैंने कहा था ना कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पे सिचुएटेड है मेडुला रीजन में है तो मेडुला रीजन में दो रीजन यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है एक है आउटर मेडुला एक है इनर मेडुला अब जो आउटर मेडुला है वहां पे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन देखिए तो कितना है 600 हंड्रेड मिली ऑसमोल मतलब यहाँ पे एक हजार मतलब एक लीटर पानी में छह सौ चम्मच चीनी है और यहाँ पे कितना है तीन सौ मतलब सोल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है कम है और यहाँ पे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है मतलब यहाँ पे पानी कम है और यहाँ पे पानी ज्यादा है तीन सौ चम्मच के मुकाबले अगर आप चीनी के मुकाबले अगर आप एक लीटर वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा है लेकिन यहाँ पे छह सौ चम्मच के मुकाबले पानी कम है तो वाटर किधर से मूव करेगा ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा राइट ऑस्मोटिक प्रेशर्स तो इस तरीके से जब यहां से हमारा 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल का सोल्यूशन गुजरेगा तो जब देखेगा कि आउटर मेडुला के अंदर जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है ज्यादा है तो वाटर मूव करेगा यहां पे हमारे हेनले लूप से किधर की तरफ आउटर मेडुला की तरफ इसीलिए लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लूप होता है वो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करता है ताकि ये भी 300 से किस में कन्वर्ट हो जाए 600 में कन्वर्ट हो जाए बैलेंस हो जाए चीजें क्या हो जाए बैलेंस हो जाए क्योंकि अब जब ये एक बार क्या करेगा कि वाटर को रिमूव कर देगा तो अब यहां पर वॉटर का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा और सोल्यूट का कंसेंट्रेशन जो है वो बना रहेगा क्योंकि यहां पर सॉल्ट बाहर नहीं निकलता है क्योंकि ये जो डिसेंडिंग लूप होती है ये सॉल्ट के प्रति इम्परमिएबल होती है लेकिन वाटर के प्रति The. होती है तो अब ये कितना हो गया कंसंट्रेशन 600 हो गया क्यों क्योंकि इसने वाटर का रिमूवल कर दिया लेकिन जैसे यह और नीचे आता है देखता है अरे नीचे तो कंसंट्रेशन सॉल्ट का और ज्यादा मतलब मान लीजिए पे 800 है मतलब यहाँ पे 800 चम्मच चीनी हो गया तो अब ये और ज्यादा डाइल्यूट अपने आप को फील कर रहा है तो ये क्या करेगा अपने और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेज देगा तो जब ये और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर भेजेगा तो जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा लेकिन जब ये थोड़ा और नीचे आएगा तो देखेगा अरे यहाँ पे तो 1200 मिली आस्मल मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो ये भी क्या करेगा और ज़्यादा वाटर रिमूव करेगा और ये भी अपने कंसंट्रेशन को 1200 के आसपास में ला देगा तो मतलब कंसनट्रेशन को बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल किया क्या किया वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल किया और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन हमारे हेनली लूप में है वो अप्रॉक्स 1200 पहुंच गया जो कि हमारे एड इन मेडुला से इक्वल में था ठीक है अब लेकिन यहां के बाद शुरुआत होती है असेंडिंग लूप की किसकी शुरुआत होती है असेंडिंग लूप की असेंडिंग लूप की एक खास बात यह होती है कि जो असेंडिंग देखिए यह है हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन था हाइपरटोनिक सोल्यूशन था और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक्वापोरिन चैनल क्योंकि कराते मतलब बाहर निकालने में मदद करते हैं और डिसेंडिंग लूप की खास बात क्या थी कि ये वाटर मॉलिक्यूल को तो ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन इनके आयन से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, मतलब आयन को ये अंदर नहीं आने देते हैं अब आप कहोगे सर ये इनर मेडुला के अंदर कंसंट्रेशन कैसे ज्यादा हो रहा है तो अब जो असेंडिंग लूप होती है वो लगातार क्या करते हैं कि हमारे सॉल्ट कंसंट्रेशंस को एडिनल मेडुला के अंदर सॉरी इनर मेडुला के अंदर बढ़ाते रहते हैं कैसे बढ़ाते रहते हैं जैसे ही असेंडिंग लूप की शुरुआत होती है असेंडिंग लूप की एक क्वालिटी होती है कि ये ये जो होता है वो सॉल्ट के प्रति तो परमिएबल होता है लेकिन हमारे वाटर के प्रति परमिएबल नहीं होता है ठीक है मतलब वाटर इसके बाहर मूव नहीं करेंगे ना तो अंदर आएंगे लेकिन सॉल्ट जो है वो बाहर जाएंगे और इस सॉल्यूशंस को हम लोग हाइपोटॉनिक सॉल्यूशंस कहते हैं क्योंकि इसके बाहर की तरफ सॉल्टर कंसेंट्रेशन इसके मुकाबले कम ही रहेगा हमेशा जैसे जैसे ये ऊपर होता जा चला जाएगा देखिए सॉल्ट कंसंट्रेशन इसमें कितना है 1200 है लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर हो रहा है यहां पे कितना आ गया 800 लेकिन अभी भी इसके अंदर 1200 है ठीक है ना समझ रहे कि नहीं मेरी बात इसके अंदर अभी भी 1200 है ना तो ये क्या करेगा अब इसको सॉल्ट को यहां से यहां पर मेनटेन करना होगा तो ये क्या करेगा सॉल्ट को अपने सॉल्ट को मतलब सोडियम और जो क्लोरीन होते हैं उसको चैनल्स के थ्रू क्या कर देगा बाहर कर देगा सोडियम चैनल और क्लोरिन चैनल्स के थ्रू क्या कर देगा बाहर कर देगा ताकि दोबारा वो 800 में कन्वर्ट हो जाए तो अब दोबारा तो 600 लेकिन हो जाएगा और इक्वल होने पर मैंने बोला था कि कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा मतलब रह, बाहर निकलता रहेगा तो कंसेंट्रेशन क्या हो मिली और क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी यही तो बात मैंने किया था ना कि जैसे से हम ऊपर जा रहे हैं एडिन आउटर मेडुला की तरफ ऊपर की तरफ तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट क्या है लो है ना लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है ना और नीचे की तरफ क्या है हाई है अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन क्यों हुआ पता हुआ क्योंकि यहां से सुक्लोरिन एनएसएल क्या हो रही है बाहर निकल रही है ना असेंडिंग लूप से जिसके कारण जो हमारा इनर मेडुला था उसके अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या हो गया इंक्रीज होता रहा क्या होता रहा इंक्रीज होता रहा और यहाँ पे आप देखिए वाटर बाहर निकल रहा है और यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल रहा है जिससे एक ग्रेडियंट बन रहा है इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मकैनिज्म काउंटर करेंट मल्टीप्लायर मकैनिज्म जिसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल एक तरफ बाहर निकल रहा है जिससे सॉल्ट कंसनट्रेशन हेनले लूप के अंदर बढ़ रहा है और असेंडिंग लूप में सॉल्टी जो है वो बाहर निकल रहा है जिससे जो वाटर का कंसंट्रेशन जो हमारे जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर कम हो रहा है तो इस तरीके से डिसेंडिंग लूप के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू एक्वापोरिंग चैनल ताकि वो अपने कंसंट्रेशंस को मेडुला से जो है वो क्या कर सके इक्वल कर सके लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मेडुला के अंदर कंसंट्रेशन ऊपर जाते हुए कम होता चला जा रहा है तो जो हमारा असेंडिंग लूप है वो भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए एन को लगातार बाहर निकालता है ताकि जो उसका बैलेंस है वो मेंटेन हो पाए इस तरीके से शुरुआत में जब तक उसका मतलब कि कंसंट्रेशंस रहता है इक्वल नहीं होता है तब तक ये पेसिवली जो होते हैं एन ट्रांसपोर्ट होते हैं लेकिन जब एक बार कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है या फिर अंदर का कंसंट्रेशन लो हो जाए और बाहर का ज्यादा हो जाए तो उस सिचुएशन में ये एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते होते अप्रॉक्स इनका कंसनट्रेशन हंड्रेड से टू हंड्रेड मिली हो जाता है तो ये चीज जो थी यही चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे डिजिटल कॉन्विलेटेड टिब्यूल की तो यहां पे आपने क्या देखा कि यहां पे आप NACL पोटेशियम आयन का भी यहाँ पे बाहर की तरफ रिमूवल होता है तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे पोटेशियम आयन भी बाहर जाते हैं तो एनएसएल कुछ हद तक जो होते हैं वो एक्टेसिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इनर मेडुला के अंदर लेकिन ऊपर की तरफ हम देखते हैं आउटर मेडुला में तो ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं मतलब सिक्स हंड्रेड ऑस्मोल के बाद ये हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाई देता है मतलब इसमें हमें ए को देना पड़ता है और इस समय हमारी जो लूप होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है तो ये थिन लूप होती है लेकिन आउटर मेडुला के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लूप क्या हो जा रही है ठीक हो जा रही है ठीक है अब यहां पे हम बात करते हैं वैसा रेक्टा की जैसा कि मैंने कहा कि ये वैसा रेक्टा यहीं पे बिल्कुल इस तरीके से रहती है। अब वैसा रेक्टा के अंदर भी क्या होता है कि सेम चीज होती है जो हमारे लूप ऑफ हेनले में होती है देखिए यहां पे जो वैसा रेक्टा आपको दिखाई दे रही है असेंडिंग वैस वैसा रेक्टा जो होती है वो बेसिकली ब्लू कलर की होती है मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है लो ऑक्सीजन होता है जबकि अगर हम डिसेंडिंग वैसा रेक्टा की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन लेवल होता है ध्यान सुनेंगे मेरी बात जो असेंडिंग वैसा रेक्टा होती है हमारी असेंडिंग वैसा डिसेंडिंग वैसा रेक्टा होती है डिसेंडिंग वैसा रेक्टा जो होती है वो इस ग्रेडियंट में बढ़े जो भी जब वो नीचे की तरफ आती है तो मैंने क्या कहा नीचे की तरफ आते हुए इनर मेडुला के अंदर जो सॉल्यूट्रेशन होता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है इसीलिए को क्या करते हैं एब्सॉर्व करना शुरू कर लेते हैं मतलब ये सोल्यूट को एब्जॉर्व करते हैं लेकिन साथ में वॉटर को बाहर भी निकालते हैं ताकि बैलेंस मेंटेन कर सके वहीं दूसरी तरफ जो हमारी असेंडिंग वेट्स होती है वो सॉल्यूट को बाहर निकालती है ताकि जो हमारा मेडुला है वो उसके साथ में बैलेंस कर पाए ये हमारे मेडुला को के अंदर सॉल्ट सोल्ट्रेशन नहीं बढ़ाते ये बस क्या करते हैं मेंटेन करते हैं और जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करके अंदर की तरफ आता है क्योंकि जो वैसा एकटा होती है और जो हमारी नेफ्रॉन होती है ये जो रीजन होता है इसमें दो ही अंतर है कि जो हेनले लूप है जो लूप ऑफ हेनले है वो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालती है लेकिन सॉल्ट को एब्सॉर्व नहीं करती है डिसेंडिंग लूप और जो हमारी असेंडिंग लूप होती है वो वॉटर मोलिक्यूल से मतलब नहीं होता है वो बस सॉल्ट को ही बाहर निकालती है पर जो हमारी वैसा रिक्टा होती है वो हमारी हर चीज को बाहर निकालती है साथ में ये सॉल्यूट्स के साथ में ऑक्सीजन का भी रिमूवल करते हैं जिसके कारण इनमें डिसेंडिंग जो वैसा असेंडिंग जो वैसा एक्टा होती है उसमें वाटर का कंसन जिसमें ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है वो लो हो जाता है जिसके कारण ये आपको डायग्राम में ब्लू कलर्स की एपियर होती हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम में मैंने दिखाया हुआ था देखिए यहाँ पे ये देखिए ये हमारी आ, असेंडिंग वेसर एक्टा होती है डिसेंडिंग वेरक्टा होती हैं और ये हमारी असेंडिंग वेसर एक्टा होती है देखिए जो कि आगे जाकर के डिजिटल कॉन्विटेट टिब्यूल और फिर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ पे दिखाई दे रही है ठीक है तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि वैसा रेक्टा वही जो हमारी कैफिलरीज हैं वो हैं इसको अलग से दिखाया गया है लेकिन ये जस्ट यहीं पे होती हैं इनसे जुड़ी हुई होती हैं आयंस वगैरह के ट्रांसपोर्ट्स में मदद करती हैं तो आशा करता हूं कि ये इतनी चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी एक बार मैं फिर से जो है इस बात को जो है थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको हल्का सा देखिए जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है वोमन कैप्सूल होता है वहां पे जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है वो अप्रॉक्स 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल का होता है मतलब 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल का मतलब मैंने कहा कि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफी कम है ठीक है ना और 300 हंड्रेड वहां पर भी होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल में 300 हंड्रेड वोमेन कैप्सूल में भी होता है तो इस तरीके से एक आइसोटोनिक सोल्यूशन बनता है उससे कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है ना अब ये जो आपका 300 हंड्रेड मिली ऑस्मोल का जो कंसनट्रेशन होता है जब वो आता है आपका लूप ऑफ हेनने में तो लूप ऑफ हेनने होता है हमारा मेडुला में कहाँ पे होता है मेडुला मेडुला के अंदर जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो तकरीबन 600 होता है अब दोनों के जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है इसका 600 और इसका तीन सौ दोनों में काफी अंतर है तो ये क्या करेगा एक दूसरे से बैलेंस करेगा तो मैंने कहा कि छह सौ का मतलब इसमें चीनी ज्यादा है और इसमें चीनी कम है तो क्या करेगा कि चीनी को बैलेंस करने के लिए बराबर पहुंचने के लिए बराबर का मीठा करने के लिए ये पानी को क्या कर दे ये ज्यादा मीठा है छह सौ वाला ज्यादा मीठा है और तीन सौ वाला कम मीठा है तो भाई इसको कम करने के लिए क्या करोगे पानी को निकाल दो भाई पानी को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा फिर ये भी तो मीठा हो जाएगा ना तो इसने क्या किया पानी को निकालना शुरू कर दिया और पानी को निकाल करके इसके बराबर की मिली ऑस्मोलिटी ले ली ठीक है मिली ऑस्मॉल हो गया इसके बराबर का कंसंट्रेशन हो गया और जब और नीचे आया तकरीबन तो फिर देखा अरे यार ये तो और मीठा हो गया तो इसने और पानी निकाल दिया तो त, त, मतलब तो टोटल बारह ये था तो बारह इसने खुद को भी किया क्योंकि मेनटेन करते हैं ये अब ऐसा करने से क्या हो गया कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन छोड़ो इसके अंदर अब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया अब ये एन एस सी एल बढ़ने के कारण बढ़ा नहीं बस ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो अब ये क्या किया कि अब एन को बाहर निकालेगा क्योंकि इसका बैलेंस ज्यादा हो गया तो इस तरीके से धीरे धीरे जब ये एन को बाहर निकालता है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है तो ऊपर से नीचे डिसेंडिंग में ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है और ऊपर तरफ जाने पे ऑस्मोलैलिटी ऑस्मोलैलिटी घटती है इस बात को ध्यान में रखेंगे तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होता है और ये हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होता है जैसा कि मैंने कहा हाइपरटोनिक में वाटर क्या करेगा अब ये सेल है और ये बाहर का मीडियम है तो मैंने हाइपोटॉनिक क्या कहा था सेल से वाटर बाहर मूव करेगा और हाइपोटोनिक में क्या कहा था या तो वाटर मूव करेगा और वाटर नहीं मूव करता तो सॉल्ट यहां से मूव करेगा ताकि इसके अंदर वाटर का बैलेंस बाहर से बन पाए क्योंकि अगर इसके अंदर ये सॉल्ट को बाहर नहीं निकालेगा तो ऊपर की तरफ जब यूरिन आपकी ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पे तो हाइयर यहां पे वाटर ज्यादा हो जाएगा ना यहां पे वाटर ज्यादा है और यहां पे वाटर कम है तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए सॉल्ट को थोड़ा सा इसको दे देगा जिससे दोनों में वाटर का कंसनट्रेशन बन पाए अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो मतलब प्रॉब्लम आपके ऑस्मोसिस को समझने में है थोड़ा सा ऑस्मोसिस के वीडियोस है आप उनको भी देख लीजिएगा बाकी ये हमारी वैसा रेक्टा है जो कि बिल्कुल इन्हीं की तरह काम करती है अगर जब ये भाई वाटर को रिमूव कर देंगी तो ये हमारी वाटर को एब्जॉर्ब भी करेंगी वहीं से जो भी सोल्यूशंस है हमारा मेडुला है वहां से एब्जॉर्व कर लेंगी ठीक है तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ है और जैसे जैसे आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे यूरिन का कंसनट्रेशन जब इनर मेडुला की तरफ आते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए यहाँ का जो कलर होता है मेडुला का वो आपको थोड़ा सा डार्कर दिखाई देता है उटर मेडुला के मुकाबले आशा है आपको तो वीडियो पसंद है पसंद लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे टिब्यूल की जहां पे ये हंड्रेड मिलियमोल को ध्यान में रखिएगा ठीक है और यहाँ पे आप बेसिकली जैसा कि मैंने एक चीज और बताया कि जो H2 है उसके लिए एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं एक्वापोरिन इस बात को भी ध्यान में रखिएगा थैंक यू वेरी मच हेलो एवरीवन मेरा नाम हैकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल कॉन्विटेड ट्रिब्यूल के बारे में आप सभी ने जो भी लेक्चर्स आए उस लेक्चर्स के अंदर आपने कई चीज़ों को देखा जो है अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई वो बताई थी वोमन कैप्सूल्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है फिर प्रॉग्जिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब और रीऑब्ज़ॉर्ब हो रही हैं फिर उसके बाद हम लोगों ने लूप ऑफ हेनले की बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थ्री हंड्रेड मिली ऑसमोल जो होता है वो बेसिकली हमारा ऑस्मोलैलिटी होती है और उसके बाद यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी बढ़ती चली जाती है जैसा कि मैंने कहा था प्रॉक्सिमल ट्रिब्यून में भी थ्री हंड्रेड के आसपास में होती है लेकिन लूप ऑफ हेनले में वो थ्री हंड्रेड से जो है बढ़ कर के सेवन हंड्रेड फिर उसके बाद ट्वेल्व हंड्रेड के आसपास होती है लेकिन जैसे ही असेंडिंग लूप की तरफ हम लोग जाते हैं लूप ऑफ हेनले में वो अप्रॉक्स हंड्रेड uh, मिली स्मॉल तक घट जाती है अभी आप देखेंगे सारी चीज़ों को डिटेल में और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर जा कर के देखें क्योंकि जब तक आप जो है पूरे वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको एक एक करके सभी चारों पाँचों वीडियोज़ देख लेने चाहिए जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए चीज़ें तो यहाँ पे आप हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बारे में और डिजिटल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल का हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है मैं इसको पूरी तरीके से आपको बता देता हूँ इस डायग्राम के बारे में कि आखिर ये डायग्राम हमारा क्या कहना चाहता है सबसे पहले देखिए इस डायग्राम में ये जो है आपकी ये हमारी ब्लड कैपिलरीज़ हैं सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ये हमारी क्या है ब्लड कैपिलरीज़ हैं जो हमारे जो हमारा नेफ्रॉन है जो जिनके आसपास से गई हुई हैं और ये जो है ये बेसिकली हमारा डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल है जिसको हम लोग टी के नाम से शो कर रहे हैं और ये जो पहला पोर्शन तीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये बीच की सेल्स हैं हमारे जो हमारे डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल और हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में सिचुएटेड रहती हैं और डिफरेंट टाइप्स के आयंस वाटर और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल के एक्सचेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अभी हम लोग लूप ऑफ हेनले से आ रहे हैं ये जो है ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और ये जो फे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर होता है हमारा अर्ली डी सी टी अर्ली डीसीटी मतलब अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल और अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक्सपोर्टेशन हो रहा है जिनका एबजॉर्पन हो रहा है जिनका री एब्जॉर्पन हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको अर्ली डिज डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल के अंदर देखने को मिलती है सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिए कि जो हमारा अर्ली डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल होता है यहाँ की जो वॉल्व होती है वो वॉल बेसिकली वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है तो अर्ली डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में आपको वाटर का एबजॉर्प्शन या रीएबजॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा हाँ यहाँ पे बाकी चीज़ें जैसे कि सोडियम हो गया क्लोरीन हो गया उसका रीएबजॉर्प्शन देखने को मिल सकता है वो ब्लड में वापस जाएंगी लेकिन जो है यहाँ पे हमें जो बेसिकली वाटर का जो एबजॉपन है वो देखने को नहीं मिलता है देखिए क्या है कि लूप ऑफ हैंगले से जब आ, सोडियम आयन आ, जो आता है वो तकरीबन टेन परसेंट ही बचा रहता है मतलब कि हमारे नेफ्रॉन में या फिर हमारे अगर हम बात करें हमारे फिल्ट्रेशंस के दरमियान डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में केवल और केवल टेन परसेंट सोडियम आयन ही बचा रहता है जिसमें से इस डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के दरमियान या अंदर सिक्स से फाइव परसेंट जो होता है वो वह एबजॉर्व याब्ज़ॉर्व किया जाना है ठीक है अब बाकी जो वाटर मैंने कहा कि अर्ली डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर वाटर का एब्जॉर्बशन नहीं होगा लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने बोला है लेट डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल इस इधर की तरफ लेट वाले की तरफ जो है वो बेसिकली आपका आ, आ, वाटर का जो होगा क्योंकि वहाँ पे एक हारमोन्स काम करेगा जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा आपसे तो सबसे पहले अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं देखिए अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में सोडियम आयन आता है साथ में क्लोरिन भी होता है कैल्शियम आयन भी होता है तो लेकिन यहाँ पे अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर आपको सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन आयन जो है वो अब्ज़ॉर्ब होते हुए दिखेंगे वो मूव करते हुए दिखेंगे ये जो चैनल होता है ये सोडियम क्लोरीन सिंपोर्टर होता है जिसके थ्रू सोडियम आयन और जो क्लोरिन होता है वो मूव करता है ब्लड वेसल्स की तरफ ठीक है तो यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन है वो हमारा सीधे कहाँ पे चला जाएगा ब्लड में चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्लोरीन हमारा ब्लड में पहुँच जाएगा साथ में यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम आयन है वो भी मूव करके हमारे ब्लड की तरफ ही जाएगा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई और चैनल्स पाए जाते हैं जो सोडियम और पोटेशियम आयनस को एक्सपोर्ट करते हैं और इनको सोडियम और पोटेशियम आयन जो एक्सपोर्ट होते हैं इसके लिए एटीपी रिक्वायर होती है किसकी रिक्वायरमेंट होती है ए की रिक्वायरमेंट होती है तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा एक पेशू प्रोसेस होता है मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस सेल के अंदर ये सेल जो होती है वो तीन सोडियम क्योंकि सोडियम आयन यहाँ जा ही रहा है तो इसका जो अमाउंट है वो हाई हो ही जा रहा है तो जो सोडियम आयन है वो बेसिकली तीन सोडियम आयन जो है वो हमारा बाहर निकलता है और दो पोटैशियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है अंदर की सेल की तरफ मूव करता है जिससे कि यहाँ पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है यहाँ पे एक पॉजिटिव जो पोलैरिटीज़ है वो भी लिबरेट होती है और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी आपको जो है वही सेम चैनल दिखाई दे रहे हैं जो तीन सोडियम आयन है वो बाहर जा रहे हैं और दो पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं और ये दोनों प्रोसीजर्स जो होती हैं वो ए डिपेंडेंट होती हैं मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस होती हैं तो अर्ली डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर आपने क्या देखा कि हमारे जो सोडियम आयन थे वो बाहर की तरफ मूव किए पोटेशियम आयन जो थे वो अंदर की तरफ मूव मूव किए जो क्लोरीन है वो भी डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल से हमारे ब्लड की तरफ मूव कर गई तो ये अर्ली कॉन्वोलेटेड अर्ली डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्रिब्यूल की कहानी होती है जहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ की जो ऑस्मोलैलिटी होती, तो होती है वो तकरीबन हंड्रेड टू टू हंड्रेड होती है ज़्यादातर बुकों में हंड्रेड ही दिखाया गया है ठीक है जिसको हंड्रेड मिली ऑसमोल में इनकी ऑस्मोलैलिटी होती है ये कहानी थी हमारे अर्ली डिजिटल कॉन्वलेटेड टिब्यूल जिसमें जब भी जब भी आप कभी भी बताइएगा तो आप ये बात बताइएगा कि सोडियम और क्लोरीन आयन हमारे बेसिकली एब्जॉर्ब किए जाते हैं रीएब्ज़ॉर्व किए जाते हैं और अप्रॉक्स फ़ाइव टू सिक्स परसेंट हमारे सोडियम आयन यहाँ से एब्जॉर्व हो जाते हैं और तकरीबन फ़ाइव टू सिक्स अभी हमारे पास में बचे रहते हैं ठीक है ये बात समझ में आ गई अगर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैल्शियम आयन का भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा अब ये जो कैल्शियम आयन है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना देखिए क्या होता है कि कैल्शियम आयन कैल्शियम आयन क्यों चाहिए कैल्शियम आयन को ब्लड क्यों एब्जॉर्ब करेगी उसके पीछे का रीज़न होता है कि जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो जाए कम हो जाए जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाता है तो आपको पता है कि एक हारमोन्स हमारे बॉडी में पाया जाता है जिसको कि एक ग्लैंड सिक्रियट करती है जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड अभी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना ये पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली हमारे थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हारमोन्स का सिक्रीशन करती है जिसका नाम है पैराथायरॉयड हारमोन्स अब ये जो पैराथायरॉयड हारमोन्स होता है वो पैराथायरयड हारमोन्स का काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना अब ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए जो सेल होती है सेल के पास में जाती है इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है पैराथायरॉयड हारमोन्स का रिसेप्टर पाया जाता है वो आता है हारमोन्स क्योंकि पैराथायरॉयड हारमोन्स जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलर सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और वो आता है हमारे रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है इस रिसेप्टर पे बाइंड करते ही सेकेंडरी मैसेंजर जो साइक्लिक एम होता है हमारा बेसिकली जी पी पाथवे रन करता है यहाँ पे कौन सा पाथवे रन करेगा जी पी पाथवे रन करेगा जिसमें जी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब ये जी प्रोटीन पे जी एक्टिविटी होगी और जी एक्टिविटी के बाद यहाँ पर साइक्लिक एम जो एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है वो एक्टिवेट होगा फिर वो पी के ए को एक्टिवेट कर देगा और जो पी के ए होता है वो जा करके फॉस्फोराइलेट कर देगा यहाँ पे पाए जाने वाले कैल्शियम आयन चैनल को मतलब ये कुल मिला के क्या हुआ कि आपने क्या देखा कि जो पैराथायराइड हार्मोन्स था वो आया आपके रिसेप्टर पे बाइंड किया सेकेंडरी मैसेंजर्स में इंफॉर्मेशनस गई प्रोटीन काइनेज ए जो है या फिर आप पी के ए जो होता है हमारा वो एक्टिवेट हुआ उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया कैल्शियम आयन चैनल को और जिससे कैल्शियम आयन जो चैनल है हमारे वो ओपन हो गए और जो भी हमारे डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में कैल्शियम आयन थी वो मूव करके जाना शुरू कर दी इस सेल के अंदर और फिर ये कैल्शियम आयन जाके बाइंड कर दी कॉलमोडुलिन प्रोटीन पे और फिर ये कैल्शियम आयन मूव कर गई हमारे ब्लड में जिससे कि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो दोबारा से क्या हो गया मेंटेन हो गया ठीक है ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो गया मेंटेन हो गया तो इस तरीके से डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल के अंदर कैल्शियम आयन जो होता है उसका भी रिएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और उसके रिएबजॉर्पन्स में जो इंपॉर्टेंट हारमोन्स काम करता है वो कौन काम करता है पैराथॉराइड हारमोन्स तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है ये सारी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ चीज़ों को ताकि बातें और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ ठीक है तो फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए जिस जो लोग मतलब सेल वेल वगैरह के बारे में या फिर हार्मोन्स के बारे में उतना नहीं जानते वो इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे देखिए ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड जो होता है उसी में होता है हमारा पैराथायरायड ग्लैंड ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है हमारे पैराथायरायड ग्लैंड है पैराथायरायड ग्लैंड एक हारमोन सिक्रीशन करती है जिसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन इसका काम होता है कैल्शियम आयन लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाना ठीक है ना मेंटेन करना बढ़ाना मेंटेन करना मतलब रेगुलेट करना ठीक है अब इसके लिए क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन सेल पे जाके बाइंड करता है क्योंकि इसको पता है कि जब तक इस चैनल को नहीं खोलोगे तब तक, तक इस चैनल से कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इस चैनल को ओपन करने के लिए क्या किया कि या करके यहाँ पर बाइंड कर गया अब जैसे ये इस रिसेप्टर पे बाइंड किया जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ फिर जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ इसने साइक्लिक के एम पी को एक्टिवेट किया जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है और फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर ने पी केए को एक्टिवेट किया फिर पी के ए ने क्या किया कि इस चैनल को फॉस्फोराइलेट कर दिया जिससे कि ये जो चैनल है हमारा वो क्या हो गया ओपन हो गया और जो कैल्शियम आयन है वो बड़े आराम से इस सेल के अंदर मूव करके चला गया फिर ये कैल्शियम आयन कॉलमोडुलिन प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा और जो कॉलमोडुलिन प्रोटीन है वो कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर भेज देगी मतलब इसके अंदर भाई कैल्शियम आयन का अमाउंट uh, बढ़ जाएगा तब ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी तो इस तरीके से ये हमारी जो कैल्शियम आयन है वो बेसिकली मूव करती है ठीक है इतनी बात समझ में आ गई आपको अब देखिए अब उसके बाद क्या होता है अब हम लोग बात करते हैं लेट डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल की अब लेट डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल में बहुत ही बड़ा इवेंट होते हैं दो तीन इवेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये आखिरी पोर्शन होता है जिसमें हार्मोनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अब आप सभी को पता है कि जो ब्लड है ब्लड में पहली बात यहाँ से पुश हो रहा था जब हमारा जो पोटेशियम आयन है जिससे कि यहाँ पे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन है वो क्या हो गया इंक्रीज़ हो गया ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसनट्रेशन है वो क्या है इंक्रीज है जबकि ब्लड के अंदर जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलता है तो अगर हमारे ब्लड में क्या हो जाए कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए कम हो जाए मतलब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है जब ये सोडियम आयन यहाँ का पोटेशियम आयन यहाँ से मूव करेगा तो इस सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसन्ट्रेशन क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा इस सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर सोडियम आयन का कंसन्ट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम आयन का कंसन्ट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंशन टू एनजियोटेंसिन टू और सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं ये बेसिकली हमारे एड्रिनल ग्लैंड को जो हमारा क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है आपको पता है इसमें दो पोर्शन होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला तो जो हमारा एडनल ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन से करता है जिसको हम लोग एल्डोस्टेरॉन कहते हैं अब ये एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो बेसिकली हमारा एक स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है कैसा हार्मोन्स होता है इस्टीरॉयड हार्मोन्स होता है और मैंने आपको कहा है कि स्टीरोड हार्मोन्स जितने भी होते हैं ये स्टीरोड हारमोन्स डायरेक्ट जैसे कि ये पैराथेराइड हार्मोन्स था ना ये डायरेक्ट देखिए न्यूक्लियस में नहीं जाके बाइंड किया इसने साइक्लिक के एम का सहारा लिया लेकिन जो स्टीराइड हार्मोन्स है ये डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस से क्या होता है बाइंड कर जाता है ये डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है तो एल्डो डायरेक्ट जा करके हमारे न्यूक्लियस से बाइंड करता है और ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को डन करता है पहली बात यहाँ पे सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवा देता है जिससे तो जो पोटेशियम आयंस है वो हमारे लेट डिस्टल कॉन्वोलेट टिब्यूल के अंदर लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर जो है पोटेशियम आयन मूव करना शुरू कर देता है थ्रू द ए टी पी किसके थ्रू एटीपी के थ्रू ध्यान में रखिएगा मेरी बात इस प्रोसेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है मतलब ये जो होता है वो हमारा एक एक्टिव प्रोसेस है ठीक है साथ में यहाँ पे जो सोडियम आयन बचा हुआ रहता है कुछ कंसंट्रेशन वो सोडियम आयन मूव करके इस सेल के अंदर चला जाता है जिससे कि बाद में फिर यही सोडियम आयन ब्लड के अंदर मूव करके चला जाता है जिससे ब्लड के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ठीक है सोडियम आयन का कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर हमारे बढ़ जाता है और ये हमारे ब्लड आगे की तरफ मूव करती है आगे कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे इतनी प्रोसेस होने के बाद जब ये दोनों प्रोसेस हो गई दोनों चैनल्स ओपन हो गए पोटेशियम आयन चैनल्स आगे की तरफ ब्लड के अंदर सोडियम आयन मूव कर गया पोटेशियम आयन अंदर कंसन्ट्रेशन बढ़ गया डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल के अंदर भी पोटेशियम आयन आ गया जो है अब यहाँ पे बात आती है वाटर की अब लेट डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल के अंदर जो वाटर होता है उसको जो है मूव रिएबजॉर्व करना होता है ब्लड को ठीक है किसको रिओब्जॉर्व करना होता है वाटर को अब वाटर के रिएब्जॉर्बंस के लिए क्या होता है लेट डिजिटल कॉन्वलेटेड टिब्यूल के अंदर एक रिएक्शन होती है एक हारमोन्स पाया जाता है उस हारमोन्स को हम लोग कहते हैं बेसिकली एंटी डायूरेटिक हारमोन्स क्या कहते हैं एंटी डाईरेटिक हार्मोन्स ये आपको एडीएस दिखाई दे रहा है अभी जो एंटी डाई यूरेटिक होता है वो क्या काम करता है कि वो हमारे लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में मतलब इस पोर्शंस के अंदर लेट डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में एक्वापोरिन चैनल्स पाए जाते हैं जिनको जा करके ओपन कर देता है एंटी डायूरेटिक हारमोन्स क्या करता है एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन कर देता है जिससे लेट डिस्टर कॉन्वलेटेड टिब्यूल के अंदर मौजूद एच टू ओ जो है वो दोबारा से ब्लड के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरीके से एच टू ओ का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो एंटी डायोरेटिक हारमोन्स जो होता है वो एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन कर देते हैं जिससे कि लेट डिस्टल कॉन्विटेड टिब्यूल के अंदर वाटर का रीएक्जॉपन हो जाता है और जो हमारी यूरिन होती है वो और ज़्यादा वाटर उससे रिमूव होने के कारण वो और ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो जाती है अब डिस्टल कॉन्विटेटेड टिब्यूल के बाद जो हिस्सा शुरू होता है वो शुरू होता है कलेक्टिंग डक्ट का जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ओवरव्यू मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ मैं ओवरव्यू आपको एक बार दे दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी और क्लियर हो जाए थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वग़ैरह देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कई जगह आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलते हैं अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो दूसरे मॉलिक्यूल के हेल्प से या फिर उनकी मदद से होते होंगे उसको कहते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटीज़ होती है वो तकरीबन हंड्रेड टू टू ऑस्मॉल की होती है मिली ऑस्मॉल की होती है और यहाँ पे जो अर्ली वाला जो फेज होता है अर्ली फेज में सोडियम आयन ही केवल और क्लोरीन आयन ही मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट से केवल वही मूव करते हैं वाटर मूव नहीं करता है वाटर मूव करेगा आखिरी में डिजिटल या लेट डिजिटल कॉन्विटेटेड टिब्यूल में लेट डिजिटल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में अर्ली अर्ली डिजिटल कॉन्विटेड टिब्यूल के अंदर जो है हमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे अगेन क्या होता है कैल्शियम आयन भी एब्जॉर्व किया जाता है कैल्शियम आयन के एबजॉर्पशनस में पैराथायरॉयड हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फिर आगे यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी शामिल होती है और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एल्डस्टोरॉन सिक्रीट करती है जो सोडियम पोटेशियम आयन के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है साथ में यहाँ पे हमारे एडियच हारमोन्स होते हैं जो कि बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को मोमेंट कराने के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करते हैं आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और वेट करिएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट के वीडियोज़ के बारे में थैंक यू वेरी मच